बेहाला के बीजेपी कर्मी प्रसन्नजीत घोष के घर के मेन गेट पर तीन बदमाशों ने आग लगा दिया। ये घटना गुरुवार रात लगभग 3:30 बजे की है। प्रसन्नजीत घोष ने बताया कि रात 3:30 बजे तीन बदमाश उनके घर में घुस आए। उन लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, जिसकी वजह से वह उन लोगों को नहीं पहचान पाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देर रात जब वह सो रहे थे तो उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वह घर के बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनके घर के गेट पर किसी ने आग लगा दिया। इसके बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगे। लोगों को इकट्ठा होते देख वह तीन बदमाश वहां से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में भी उनके घर के मेन गेट पर तीन लोगों को आग लगाते हुए देखा गया, लेकिन कपड़े से चेहरा ढका होने से उन लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि घर में वे उनकी नानी के साथ रहते हैं और कुछ दिनों से स्थानीय तृणमूल कर्मी उन पर दबाव डाल रहे थे। नहीं, उन्होंने बताया कि उनका एक मोबाइल बनाने का भी दुकान था, जिसे तृणमूल कर्मियों ने गाड़ी से खींचकर सोदपुर बाजार के पास एक पुकुर में फेंक दिया, जिसके खिलाफ बेहाला थाने में उनके घर वाले और बीजेपी पार्टी के सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आग लगने की घटना का आरोप तृणमूल कर्मियों पर लगाया है।